कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जिसे सारे एक्टर्स काफ़ी चैलेंजिंग मानते हैं। बॉलीवुड हर साल काफ़ी कॉमेडी मूवीज लेके आती है और उनमें से कुछ ही मूवीज ऐसी होती है जो ऑडियंस को पसंद आती है। ऐसी ही कुछ मूवीज हम आपके लिए आज लेके आए हैं। नंबर 7 पर है क्या कूल है हम। 2005 में रिलीज हुई संगीत सिवन डायरेक्टेड फिल्म क्या कूल है हम एक बहुत ही ज्यादा डबल मीनिंग वाली डार्क कॉमेडी थी। वगैरह नहीं है। मुझे मुस्लिम लड़कों की लंबाई बहुत पसंद है और गुजराती लड़कों की चौड़ाई। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। मूवी अपने प्लॉट के वजह से यंगस्टर्स में काफी हिट रही। मूवी का रन टाइम थोड़ा ज्यादा है पर मूवी ओवरऑल बहुत ही फनी है और ऐसे टाइम पे आई थी जब मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑडियंस को इतने हाई सेक्सुअल कंटेंट की आदत नहीं थी। नंबर 6 पर है अंगूर। 1982 में रिलीज हुई फिल्म अंगूर को अडेप्ट किया था विलियम शेक्सपियर के प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स से। मूवी में स्टार कर रहे हैं संजीव कुमार और देवेन वर्मा। मूवी की स्टोरी सिंपल है जहां दो पेयर ऑफ ट्विंस बचपन में बिछड़ जाते हैं और एक दूसरे के लाइफ में काफी साल बाद आते हैं। ये नया शौक चढ़ा है आपको। अरे भाई ये सिगरेट क्यों फेंक दिया आपने? बहुत शौक है गांजा पीने का तो घर चल के पीजिए। होश में है आप? गांजा मैं पी रहा हूँ या आपने पी रखा है? मूवी एक कम्प्लीट और क्लीन फैमिली एंटरटेनर है और IMDB पे इस मूवी को 8.3 की रेटिंग भी मिली है। नंबर 5 पर है धमाल। धमाल मूवी रिलीज हुई थी 2007 में और इसे डायरेक्ट किया था इंद्र कुमार ने और बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट थी। मूवी की स्टोरी बेस्ड है चार दोस्तों और एक पुलिस ऑफिसर पे जो पैसों के चक्कर में डब्लू ढूंढने गोवा सबसे पहले पहुंचने की रेस में लग जाते हैं। मूवी में विजय राज का प्लेन वाला सीन मेरा पर्सनल फेवरेट है। नंबर 4 पर है चुप चुप के। 2006 में रिलीज हुई मूवी को डायरेक्ट किया था कॉमेडी के किंग माने जाने वाले प्रियदर्शन ने। मूवी एक सुपरहिट रही थी और बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी। मूवी में बंदिया के रोल में राजपाल यादव शो स्टीलर है। राजपाल यादव के साथ साथ ओमपुरी परेश रावल और शक्ति कपूर ने भी बहुत अच्छा रोल किया है। नंबर 3 पर है अंदाज अपना अपना। 1994 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज अपना अपना ऐसी फिल्म है जो हर एक इंडियन मूवी लवर्स के कॉमेडी लिस्ट के टॉप 5 में जरूर आएगी। मूवी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर तो फेल हुई पर राजकुमार संतोषी की इस फिल्म को ऑल टाइम क्लासिक कॉमेडी माना जाता है। नंबर 2 पर है गोलमाल। गोलमाल डायरेक्टर रोहित शेट्टी की डेब्यू फिल्म थी। मूवी को लिखा है नीरज बोरा ने जिन्होंने हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। हालांकि गोलमाल खुद में ही एक गुजराती नाटक अफलातून का रीमेक है। गोलमाल के और 3 सीक्वल भी आए पर पेजर ने सबको फर्स्ट पार्टी अब तक का बेस्ट पार्ट लगा है। नंबर 1 पर है हेरा फेरी। 2003 में रिलीज हुई फिल्म हेरा फेरी को बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट मूवी मानी जाती है और राइटली भी क्योंकि ये मूवी एक कंप्लीट पैकेज है। मूवी को डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन ने। मूवी की स्टोरी कास्टिंग स्क्रिप्ट सब टॉप नॉच है और बाबू राव के रोल में परेश रावल ने एक आइकॉनिक रोल प्ले किया है। प्रसाद घर पर है अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। इस मूवी को आप जितना भी देखो आपको हमेशा उतना ही मजा आएगा। तो ये थी हमारी आज की 7 टॉप बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज। आपको ये सब मूवीज YouTube पे देखने मिल जाएगी जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर आपको इनमें से एक भी मूवी पसंद आई हो या ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।